जिन अधिकारियों की सुविधा के लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, कृपया ध्यान दें। इस वर्ष पहली बार वीवीपैट मशीन से आपको परिचित करवाया जा रहा है। यह वीवीपैट मशीन आपको इस प्रकार के एक बॉक्स में मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स आपको मिले, इसे आप पैक ही रखें। यदि आप सामग्री लेते समय बीयू और सीयू इनको यदि जांच करना चाहते हैं, तो कृपया इन दोनों को ही जांच करें। भूलकर भी किसी भी स्थिति में आप वीवीपैट मशीन को सामग्री लेते समय टेस्ट ना करें, कृपया इस बात का ध्यान दें। वीवीपैट मशीन का पहली बार प्रयोग मॉक पोल के समय ही किया जाना है। यदि आप इस मशीन को बस में ले जा रहे हैं आवागमन के लिए, तो ध्यान रखें कि इसे आपको सीधे ही रखना है। इस मशीन को यदि आप ऐसे रखते हैं या किसी भी तरीके से ये रखते हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कत खड़ी हो जाए। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो यह है कि इस वीवीपैट मशीन को जब आप परिवहन करें, तो इसका एक स्विच इसके पीछे लगा हुआ है। ये स्विच मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो स्विच है, ये स्विच हॉरिजेंटल मतलब आड़ा होना चाहिए। यह स्विच केवल तभी खड़ा होगा जब आप मॉक पोल के दौरान इस मशीन का उपयोग करते हैं। और भी कई सावधानियां हैं जिसके अंतर्गत मॉक पोल जब आप करेंगे, तो आप ध्यान रखें कि मॉक पोल की जो पर्चियां इसके अंदर हैं, इन पर्चियों को आप निकाल कर एक काले लिफाफे में सील करेंगे, और काले लिफाफे को एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर आप पिंक पेपर सील से उसको सील करेंगे। ये सारी प्रक्रिया को हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से परिचित करवाने के लिए अब आप कृपया इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें कि किस प्रकार से इस यूनिट्स को जोड़ा जाता है और यह यूनिट अपना कार्य करती है। ईवीएम की तीनों इकाइयों अर्थात कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को आपस में जोड़ना। सर्वप्रथम ईवीएम की तीनों इकाइयों अर्थात कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को उनके नियत स्थानों पर रख दें। अब बैलेट यूनिट अर्थात मतदान इकाई की परमानेंट केबल अर्थात स्थाई केबल को वीवीपैट के पिछले हिस्से में स्थित सॉकेट से जोड़ दें। इसी प्रकार वीवीपैट की स्थाई केबल को कंट्रोल यूनिट अर्थात नियंत्रण इकाई के पिछले भाग में स्थित सॉकेट से जोड़ दें। अब वीवीपैट के पिछले हिस्से में स्थित ट्रांसपोर्टेशन स्विच को हॉरिजेंटल अर्थात आड़ी स्थिति से वर्टिकल अर्थात खड़ी स्थिति में ले आएं, जिससे कि वीवीपैट फंक्शनल मोड में आ जाएगी। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट के ऑन ऑफ स्विच को ऑन कर दें। दिखावटी मतदान अर्थात मॉक पोल का संचालन करने के लिए सबसे पहले ईवीएम की तीनों इकाइयों को कनेक्ट कर दें। इसके पश्चात कंट्रोल यूनिट के ऑन ऑफ स्विच को ऑन कर दें। ऐसा करते ही वीवीपैट द्वारा 7 पर्चियां जारी की जाएंगी। अब कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन दबाकर बारी बारी से सभी मतदान अभिकर्ताओं को उनके मनपसंद अभ्यर्थी को मत देने के लिए कहें। दिखावटी मतदान के दौरान सभी नीले बटन को चेक करने के लिए नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को वोट डाला जाना चाहिए। इस प्रकार के दिखावटी मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाकर मतदान समाप्त करें। अब रिजल्ट बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं के सामने दिखावटी मतदान के रिजल्ट का प्रदर्शन करें। दिखावटी मतदान के रिजल्ट से मतदान अभिकर्ताओं के संतुष्ट होने के उपरांत कंट्रोल यूनिट में क्लियर बटन दबाकर दिखावटी मतदान के सभी वोटों को मिटाकर मशीन को खाली कर दें। इसके पश्चात दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र तैयार करें। दिखावटी मतदान के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ईवीएम को क्लियर करना न भूलें। दिखावटी मतदान के दौरान वीवीपैट द्वारा जारी की गई पर्चियों को ड्रॉप बॉक्स से निकाल लें, उन्हें गिनकर दिए गए काले रंग के लिफाफे में रखने के पश्चात सील करें एवं इस काले रंग के लिफाफे को दिए गए प्लास्टिक के बॉक्स में रखकर पिंक कलर की सील से सील करें। हरी पत्र मुद्रा अर्थात ग्रीन पेपर सील से रिजल्ट सेक्शन को सील करना। हरी पत्र मुद्रा का क्रम संख्यांक नोट कर लें। वह हरी पत्र मुद्रा के सफेद हिस्से पर पीठासीन अधिकारी व सभी उपस्थित मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करें। अब कंट्रोल यूनिट के
रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक द्वार में स्थित फ्रेम में हरी पत्र मुद्रा को इस तरह डालें कि इसका हरा भाग छेद में से बाहर दिखाई दे। इसके पश्चात आंतरिक द्वार को इस तरह से बंद करें कि हरी पत्र मुद्रा के दोनों छोर बाहर निकले रहें। इसके बाद आंतरिक द्वार को स्पेशल एड्रेस टैग की मदद से इस तरह सील करें कि क्लोज बटन अच्छी तरह दिखता रहे। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी द्वार को इस तरह बंद करें कि हरी पत्र मुद्रा के दोनों सिरे बाहर निकले रहें। अंत में रिजल्ट सेक्शन के बाहरी द्वार को एड्रेस टैग का इस्तेमाल कर सील करें। एबीसीडी आउटर स्ट्रिप सील से कंट्रोल यूनिट को सील करना। हरी पत्र मुद्रा लगाने के पश्चात एबीसीडी सील के भाग ए के स्टिकर को हटाकर भाग ए को हरी पत्र मुद्रा के निचले सिरे के नीचे रखकर हरी पत्र मुद्रा का वो भाग चिपका दें। अब भाग बी के स्टिकर को हटाकर उसके ऊपरी लेयर पर चिपका दें। इसके पश्चात भाग सी ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब सी भाग के स्टिकर को हटाकर हरी पत्र मुद्रा के दूसरे सिरे को सी पर चिपका दें। अब स्ट्रिप सील को क्लोज बटन की विंडो के नीचे से कंट्रोल यूनिट पर बाईं ओर से घुमाकर कंट्रोल यूनिट को कवर करते हुए दाईं ओर से ऊपर लाएं। इस प्रकार डी भाग ऊपर आ जाएगा। उसके स्टिकर को हटाकर हरी पत्र मुद्रा के ऊपर चिपका दें। ईवीएम की विभिन्न एरर अर्थात त्रुटियों के मैसेज का अर्थ। यदि कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन खंड अर्थात डिस्प्ले सेक्शन में प्रेज्ड एरर का मैसेज दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि बैलेट यूनिट का कोई नीला बटन दबा रह गया है अथवा जाम हो गया है। ऐसी स्थिति में उसे फ्री किया जाना आवश्यक है। नीले बटन की जांच करें और उसे फ्री करें। यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में बैलेट यूनिट नॉट रिस्पॉन्डिंग इस प्रकार का मैसेज दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि बैलेट यूनिट की स्थायी केबल वीवीपैट से सही तरह से कनेक्ट नहीं है अथवा वीवीपैट की स्थायी केबल कंट्रोल यूनिट से सही तरह से कनेक्ट नहीं है। इन दोनों की जांच की जानी आवश्यक है। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो इसका अर्थ है कि वीवीपैट के पिछले हिस्से में स्थित ट्रांसपोर्टेशन स्विच आड़ी स्थिति में है अर्थात हॉरिजॉन्टल स्थिति में है। इसे वर्टिकल स्थिति में लाया जाना आवश्यक है अर्थात खड़ी स्थिति में लाया जाना आवश्यक है जिससे वीवीपैट कार्य करना प्रारंभ कर देगा। अभी आपने ईवीएम और वीवीपैट प्रक्रिया का किस प्रकार से संचालन होता है यह आपने देखा है। जब निर्वाचन अपने निर्धारित समय पर समाप्त हो जाए उसके बाद आपको निम्न प्रक्रिया अपनानी है। आपको कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन को दबाना है। क्लोज बटन को दबाने के पश्चात आपको कंट्रोल यूनिट का यह स्विच ऑफ कर देना है। इसके ऑफ करने के बाद आप वीवीपैट की मशीन का यह बटन जो हमने प्रारंभ में खड़ा किया था उसे हम फिर से आड़ा मतलब हॉरिजेंटल कर देंगे। इसके पश्चात सभी मशीनों को इनके निर्धारित बॉक्स में रखें और सील कर दें।